हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो ये क्लास में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर क्या होता है और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो क्लासिफिकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके, जो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट किया जाता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर होता है द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सॉफ्टवेयर होता है द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो लास्ट क्लास में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो देयर आर, तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो कैसे काम को करना है, ठीक है, और क्या काम करना है ये उसमें मतलब इंस्ट्रक्शन दिया होता है, ठीक है। बेसिकली जो प्रोग्राम जो होता है, कौन उसको मतलब डेवलप करता है, जो प्रोग्रामर होता है, ठीक है, हम लोग उसको प्रोग्रामर बोलते हैं जो ये सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलते हैं या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक आज के दिन में सबसे ज्यादा जो जॉब का वैकेंसीज है, यही जो फील्ड है आईटी के ऊपर, तो इसी फील्ड में ज्यादा जॉब है पूरा वर्ल्ड वाइड। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के दिन में। और ये दो अगर हम लोग सीख लेते हैं तो आने वाले दिनों में जॉब का जो चांसेस है वो हम लोग के लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर टू टाइप्स का होता है। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला जो सॉफ्टवेयर है इट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सेकेंड सॉफ्टवेयर, सॉरी, द सेकेंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम लोग का जितना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या तो अपना लैपटॉप या तो पीसीज का जितना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज या तो मैक, तो ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रोसेसर, बहुत सारे लैंग्वेज प्रोसेसर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है, ये होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स, बहुत सारा ऐसे ड्राइवर डिवाइस होता है, डिवाइस मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उसका भी कुछ ड्राइवर्स होता है। विदाउट दीज ड्राइवर्स वी कैनॉट रन एनी डिवाइसेस, हम लोग कोई भी एक डिवाइसेस को रन नहीं कर सकते विदाउट एनी ड्राइवर्स। तो सबसे पहले तो उस ड्राइवर्स को कंप्यूटर्स में हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हम लोग ने डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्पेसिफिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, ये सिस्टम नाम से ही यहाँ पे एक पता चल रहा है हम लोग को, सिस्टम मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली एक सिस्टम को रूल करता है, ठीक है ना। ये सिस्टम में फिट होता है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम को मेंटेन करता है, जो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स, ये क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स, मतलब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये या तो कलेक्शन ऑफ एक प्रोग्राम या तो बहुत सारा प्रोग्राम का एक बंडल है, समझ में आया कि नहीं। व्हिच आर डिजाइन टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ये जो प्रोग्राम्स है उसको डिजाइन किया जाता है कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन, मतलब पूरा जितना सारा कंप्यूटर्स का ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए और उसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। A system software acts as an interface between the user and the computer. ये line बहुत ही important है। A system software acts as an interface between the user and computer. यहाँ पे जो ये word है interface, इसका meaning क्या है? Like ये जो मैं यहाँ पे एक example दे रहा हूँ, example यहाँ पे ये interface मतलब एक दीवार है, दीवार, समझ में आया कि नहीं? This is a wall, okay? तो यहाँ पे क्या है? हम लोग का computer है, this is the computer, ठीक है? और यहाँ पे कौन है, यूजर, मैं हूँ, ठीक है, या तो तुम हो, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग का कंप्यूटर है और ये क्या है, हम लोग है, यूजर। तो ये जो कंप्यूटर एंड जो यूजर है इसके बीच में ये क्या है, दिस इज द इंटरफेस, समझ में आया कि नहीं, वॉल,
दीवार बोल सकते हैं हम लोग, ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस को कौन मेंटेन कर रहा है, ये जो एक्स मतलब ये जो इंटरफेस का जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, ये जो है इंटरफेस, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आया कि नहीं? मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो इंटरफेस जो वर्ड यूज होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक मीडियर मीडिया मतलब वो मीडियन है। जैसे क्या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर कंप्यूटर का जितना सारा काम होता है थ्रू यूजर, अगर हम लोग को प्रोसेस करना है या तो कुछ भी अगर इनपुट देना है, आउटपुट देना है, अगर कुछ भी डिस्प्ले करना है, तो ये कौन करेगा, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। समझ में आएगी नहीं? ओके, तो सम ऑफ द फंक्शंस, सम ऑफ द फंक्शंस इट परफॉर्म्स आर, कुछ फंक्शंस है जो ये परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन कौन है, टू रीड डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, टू रीड डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। जैसे हम लोग का इनपुट डिवाइसेस कौन सा है, कीबोर्ड है, उसके बाद हम लोग का माउस है, जैसे मैं अभी माउस से ये कर रहा हूँ, तो ये क्या, ये हो क्या रहा है, जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, जो डेटा है वो इनपुट डिवाइसेस से वो रीड कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? जैसे इनपुट डिवाइसेस कौन सा है यहाँ पे, जैसे कीबोर्ड से अगर मैं कुछ टाइप करूंगा वो कीबोर्ड क्या होगा, इनपुट डिवाइसेस, ये सो नो, देन माउस क्या होगा, वो इनपुट डिवाइसेस है। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ, ये इनपुट दे रहा हूँ माउस से ऐसे, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, वो इनपुट जो डेटा है वो इनपुट ले रहा है किससे, माउस से। समझ में आएगी नहीं? मतलब जो भी इनपुट डिवाइसेस है उससे डेटा को रीड कर रहा है। समझ में आएगी नहीं? रीड करने के बाद क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, उस डेटा को वो क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले करेगा। समझ में आएगी नहीं? समझ में आएगी नहीं? वेरी सिंपल, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, रीड डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद उसको डिस्प्ले करेगा, मतलब उसको आउटपुट डिवाइसेस में उसको डिस्प्ले करेगा। समझ में आएगी नहीं? तुम लोग अभी सोच रहे होंगे ये काम तो सीपीयू का है। हाँ, सीपीयू इज द हार्डवेयर। समझ में आएगी नहीं? सीपीयू इज द हार्डवेयर। अभी सीपीयू को ये जो जितना सारा फंक्शनलिटीज हो रहा है, सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तो चाहिए। यस और नो? यस और नो? ये हम लोग का सीपीयू है, सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए एक हार्ड, ये तो हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर को भी सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर होगा, इस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे, SS, ओके? सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सीपीयू को मैनेज करेगा। समझ में आएगी नहीं? वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन है, टू ट्रांसमिट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेस। ऑलरेडी मैंने बोला जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट डिवाइसेस में वो प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट, द थर्ड पॉइंट इज टू चेक द वर्किंग ऑर्डर ऑफ ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस, ये मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। सो पेरिफेरल डिवाइसेस, यहाँ पे जो हम लोग यूएसबी बोलते हैं ना, यूएसबी, यूएसबी पोर्ट, जैसे जैसे माउस को मैंने यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, तो मैं अपना माउस को यहाँ पे अभी लगा के यूज कर रहा हूँ, तो माउस क्या है, दिस इज अ पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे हम लोग बाहर से उसको यूज करते हैं, जैसे पेन ड्राइव इज द पेरिफेरल डिवाइसेस, सीडी इज द पेरिफेरल डिवाइसेस, डीवीडी इज द पेरिफेरल डिवाइसेस, दीज आर द पेरिफेरल डिवाइसेस, जो हम लोग बाहर से उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वर्किंग ऑर्डर ऑफ, मतलब ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये पूरा मेंटेन करेगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी फॉर्म दैट कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, क्या, टू कन्वर्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी फॉर्म। जैसे हम लोग यहाँ पे जो भी कीबोर्ड से हम लोग टाइप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में टाइप कर रहे हैं, ये सुनो, जैसे ए बी सी डी हम लोग का जो अल्फाबेट्स है, या तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। बट कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि कंप्यूटर नोज ओनली जीरोस एंड वंस, यस और नो। तो कंप्यूटर्स को ओनली बाइनरी समझ में आता है, क्योंकि बाइनरी में क्या क्या आता है, ओनली जीरोस एंड वंस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो डेटा को रीड करेगा, रीड करने के बाद जो डेटा इन इंस्ट्रक्शन है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। समझ में आएगी नहीं? दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इनिशियलाइज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, नॉट इनिशियलाइज, इंस्टॉल। ओके, मतलब जैसे
हम लोग कोई नया मोबाइल फोन खरीदते हैं तो मोबाइल फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे एंड्रॉइड जो ओरियो, उसके बाद जो पहले एंड्रॉइड का वर्जन था, ठीक है, जो हम लोग आईफोन खरीदते हैं, आईफोन का जो आईओएस जो होता है, तो ये क्या है, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्री इंस्टॉल होता है, समझ गए कि नहीं, वो पहले से इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो ये जो इंस्टॉल होता है कौन इंस्टॉल करके देगा, मैन्युफैक्चरर सिंपली, ठीक है ना। तो जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल बाय द मैन्युफैक्चरर, ओके, जो ये बनाता है वो लोग ही उसको इंस्टॉल करके देता है, ठीक है। बाद में जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो हम लोग खुद से इंस्टॉल करते हैं, जैसे फेसबुक का ऐप हो या तो व्हाट्सएप का जो ऐप हो, एप्लीकेशन हो, दिस आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यस, ये बात ऑलरेडी मैंने बोला। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है जहां पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ पे कुछ कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स। उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता क्या है बेसिकली। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिवाइस लैंग्वेज प्रोसेसर्स, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स, उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर कुछ डाउट होगा, अगर कुछ क्वेरी होगा तो मुझे ये फोन नंबर पे फोन कर सकते हो या तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।